Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we will solve around 9 to 10 questions, okay? And through those questions we will try to cover the current affairs. So here is your first question. Isme kya bola gaya hai? Which country recently pulled out of a deal signed with India and Japan to develop a strategic port terminal? Basically, there was a deal between the India and the Japan and they are about to develop a strategic port terminal at the Colombo, right? At the Colombo. But Sri Lanka has recently pulled out of the deal, right? So here is your option C is the right answer, that is Sri Lanka. Okay. यदि हम नेपाल की बात करते हैं तो PM कौन है नेपाल के? जो PM है ये है KP शर्मा ओली, खड़का प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली is the PM, right? और यदि हम मिलिट्री एक्साइज की बात करते हैं तो सूर्य किरण, राइट? सूर्य किरण क्या करते हैं, जो मिलिट्री एक्साइज है वो हम फॉर्म करते हैं। यदि हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो इनके साथ मिलिट्री एक्साइज हमारी कौन सी है, वो है संप्रीति, संप्रीति, आई होप आपको याद होगा। और जो है पीएम कौन है बांग्लादेश के, वो है शेख हसीना, राइट? उसके बाद श्रीलंका के साथ हम बात करते हैं तो एक्चुअली इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट? प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ तो जो है ये है महिंदा राजपक्षे। और यदि मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट की तो ये है गोटाबेय राजपक्षे, राइट? राजपक्षे, ओके। यदि मैं बात करता हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज की, ओके, तो हम इनके साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है मित्र शक्ति, और जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है स्ली नेक्स। से आपको याद आएगा सिम्बेक्स, राइट? तो सिम्बेक्स बेसिकली क्या है, ये है एक नेवल एक्सरसाइज जो किस किस के बीच में होती है, जो कि इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होती है, राइट? तो जो इस क्वेश्चन का आंसर था ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी ये रही आपके सामने। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो ये आपके रिविजन के लिए है। इसमें फिर से बोला जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड विच म्यूचुअल फंड कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट अराउंड रुपीज 9,122 crores टू इट्स यूनिट होल्डर्स। Okay, so here is your option, option A, option B, option C and option D, and you are supposed to get the right answer. Okay, now moving to the next question. Next question mein kya bola ja raha hai, the Commonwealth Human Right Initiative, okay, the Commonwealth Human Right Initiative CHRI is an international non-governmental organization based in which country? So you are supposed to tell the headquarter of CHRI. And your options are A, Italy, B, India, C, United States and D, France. तो जो आपका right answer है, B is your right answer. जो CHRI का headquarter है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको India के अंदर देखने को मिलेगा, right? अब जो है, ये जो CHRI, Commonwealth Human Right Initiative plus जो है Walk Free, ये क्या है? एक anti-slavery ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों मिलके एक रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन स्लेवरी। अब इस रिपोर्ट में ये करते क्या है, बेसिकली इस रिपोर्ट में ये असेसमेंट करते हैं कौन से नेशंस की, असेसमेंट करते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस की। आई होप इट इज क्वाइट जेन्युइन कि आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ नेशंस कौन से होते हैं, राइट? कॉमनवेल्थ नेशंस की असेसमेंट करते हैं कि कॉमनवेल्थ नेशंस कितनी प्रोग्रेसिवली काम कर रही हैं टू वर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी, राइट? अब जो ये स्लेवरी है, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यदि मैं बहुत स्पेसिफिक होके बोलूं तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 जो कि क्या बोलता है, जो बोलता है एंडिंग फोर्स लेबर, ठीक है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड
चाइल्ड लेबर, राइट। तो ये जो एलिमिनेट करना है, वी आर सपोज टू एलिमिनेट द स्लेवरी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030। तो ये 2030 के लिए जो कॉमनवेल्थ नेशंस है वो कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं टूवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ द स्लेवरी, ये जो है इस रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया जाता है, रिपोर्ट ऑन द स्लेवरी जो कि पब्लिश की जाती है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव प्लस जो आपकी वॉक फ्री जो कि क्या है एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो मैं बात करता हूँ CHRI की, तो इसमें जो है क्या होता है, जो यदि किसी कंट्री को मेंबर बनना है तो ये क्या होता है, जो मेंबरशिप होती है ये वॉलंटियर होती है, राइट, वॉलंटियर होती है। और आज की डेट में इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 54 है। ठीक है, सो बी इज योर राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन, ओके, इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेटअप इन विच इंडियन सिटी। ठीक है जी, तो इसके आपके ऑप्शंस है, ए इज कोचीन, बी इज चेन्नई, सी इज विशाखापट्टनम एंड डी इज गुवाहाटी। ओके, सो आपका जो राइट आंसर है बी इज योर राइट आंसर, बी जो है आपका राइट आंसर है, ये क्या होगा, कहाँ पे होगा, चेन्नई में होगा। अब जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, इट शुड बी वेरी ओके, इट शुड बी रिमेम्बर टू यू, वेटलैंड डे कब मनाते हैं। ठीक है, वी यूज टू सेलिब्रेट इट ऑन द 2nd of February। नाउ यू आर सपोज टू टेल मी द थीम, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच इंडियन कंपनी और विच कंपनी हैज टाइड अप विद द रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन MIG टू प्रोवाइड पोस्ट वारंटी सपोर्ट टू द इंडियन नेवी जेट्स। ठीक है जी, तो आपके ऑप्शंस हैं क्राउन ग्रुप, बी इज अडानी, सी इज पुष्पक एंड डी इज गरुड़, राइट। तो जो आपका राइट आंसर है इज योर राइट आंसर, दैट क्राउन ग्रुप ने क्या किया है, हैज टाइड अप विद द रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन MIG टू प्रोवाइड द पोस्ट वारंटी सपोर्ट टू द इंडियन नेवी जेट्स, राइट। सो ए इज योर राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रवीण सिन्हा, ओके, प्रवीण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम, द नेम इज प्रवीण सिन्हा एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड योर ऑप्शन आर, ए इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, बी इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सी इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर इज द सी इज योर राइट आंसर, दैट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो प्रवीण सिन्हा, ही हैज बिकम द एक्टिंग चीफ ऑफ द CIB, राइट, CBI, राइट, CBI, ओके। नाउ यदि हम बात करते हैं CBI के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू, ठीक है जी, ट्राई टू लुक टूवर्ड्स द इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हाउ CBI केम इन टू द पिक्चर। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इन 1941, राइट, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड वॉर टू, इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड वॉर टू। अब जब इंडिया ने वर्ल्ड वॉर टू को ज्वाइन किया था, तो उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, दे क्रिएटेड अ डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट का नाम था क्या, वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट। अब ऐसा माना जाता था, ये जो वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट था, इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था, राइट। जब इसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था, तो क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, एक अलग से जो है एक एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट। अब ये जो स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट थी, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये क्या करेगी, ये चेक को करेगी करप्शन को, किसमें, जो वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट था, राइट। अब ऐसे ही बात आगे बढ़ती है, और 1946 में ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है, दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट, राइट। अब क्या होता है,
अब तब तक अब क्या कर रहा था, जो दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट थी, ये कहीं ना कहीं करप्शन को चेक कर रहा था इन द वेरियस डिपार्टमेंट. लेकिन क्या होता है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ द 1963, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ये क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विच मीन्स सीबीआई, राइट. दिस इज हाउ जो सीबीआई है इट केम इन टू द पिक्चर, राइट. अब जो है क्या होता है, अब सीबीआई जो है, सीबीआई के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है. एक होता है आपका जर्नल ऑफिस भी, राइट. अब जर्नल एक होता है जर्नल ऑफिस भी, और दूसरा होता है आपका इकोनॉमिक ऑफिस भी, राइट. इकोनॉमिक ऑफिस भी. अब ये जो आपका जनरल ऑफिस विंग है, इसी के अंदर क्या किया जाता है, एक स्पेशल जो है डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसका नाम था एंटी करप्शन डिवीजन, राइट. अब ये जो एंटी करप्शन डिवीजन है, ये कब किया जाता है, ये 1987 में इसको क्रिएट किया जाता है थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1987. इसके द्वारा ये जो एंटी करप्शन डिवीजन है, इसको क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है विद इन द सीबीआई, राइट. अब क्या होता है कि ये जब अपनी फुल एफिशिएंसी पे एंटी करप्शन डिवीजन काम नहीं कर किया कर पाता है, तो ये डिवीजन किसके हाथ में चला जाता है, ये डिवीजन चला जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हाथ में, राइट. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हाथ में. अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये पिक्चर में कब आता है, इट केम इन टू द पिक्चर इन द ईयर ऑफ द 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमिटी, राइट. के संथानम कमिटी. दिस कमिटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो यू आर सपोज टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट कमिटी, के संथानम कमिटी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द के संथानम कमिटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केम इन टू द पिक्चर इन द ईयर 1964, राइट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. नाउ द प्रीवियस सिन्हा इज द न्यू चीफ एक्टिंग एक्टिंग चीफ ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian body warned against recording its sessions using the mobile phones, right? Actually, हुआ क्या था? In the parliament, जो है क्या कर रहे थे कि जो session था, right? जो sessions थे राज्यसभा के, उसको मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही थी. तो जो राज्यसभा है, इसने कब वार्निंग दी है कि आप क्या करोगे, जो sessions है उनको मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करोगे, right? So this is all about it. Easy question. Now moving to the next question. Which technology entrepreneur has been appointed to the National Security Advisory Board? ठीक है जी. तो इनमें से जो आपके options है ए रजनी बैक्टर, option B is रतन लाल, option C is श्रीधर बेंगू, and option D is अली मनिकफन, राइट. अली मनिकफन, आई होप मैं इसको सही से बोल पा रहा हूँ, राइट. अली मनिकफन. नाउ जो आपका जो राइट आंसर है, श्रीधर बिबू इज द राइट आंसर. और ये क्या हुए हैं, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, विच लेड बाय हुम, बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, राइट. अजीत डोभाल. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें बोला जाता है, विच कंट्री होस्टेड द इंडियन ओशियन रीजन IOR डिफेंस मिनिस्टर्स कंक्लेव इन फरवरी 2021. तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है क्या करेगी, होस्ट करेगी जो इंडियन ओशियन रीजन IOR डिफेंस मिनिस्टर्स का जो कंक्लेव होगा इन फरवरी 2021. एंड योर ऑप्शंस आर श्रीलंका, बी ऑप्शन इज इंडिया, सी ऑप्शन इज बांग्लादेश, एंड डी ऑप्शन इज मालदीव. सो आपका जो राइट आंसर है, ऑब्वियसली जो बी है आपका राइट आंसर है. ओके, सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज करंट अफेयर. आज के करंट अफेयर में इतना ही. यदि आपको लगा कि दिस सेशन इज वर्थ टू शेयर, तो यू शुड शेयर इट. एंड टिल देन, बाय बाय. एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज टुमारो ऑल्सो. एंड थैंक यू सो मच.